ये पोस्टर लगे हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता जीतू पटवारी के विधानसभा क्षेत्र में मौजूद गोकुल नगर में। पोस्टर पर लिखा है, वोट मांगकर शर्मिंदा ना करें। गोकुल नगर में मौजूद लोगों का कहना है कि यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। मैं गोकुल नगर में रहती हूँ और यहाँ पे जो मूलभूत समस्या यही है कि गैस की पाइपलाइन नहीं डली है, जबकि बाकी सभी कॉलोनियों में गैस की पाइपलाइन, नर्मदा पानी की जो हम लोगों को आना चाहिए कि नर्मदा का पानी मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिला है। और इसके अलावा हम लोग सोचते हैं कि यह सर्विस रोड से जुड़ा हुआ है, बाहर की सभी कॉलोनियों से जो चोर उचक्के हैं वो इस कॉलोनी में आते हैं और दिन दहाड़े चोरियाँ होती हैं। यहाँ पे जो है ना, हमारी मूलभूत सुविधाओं के लिए ये लगाया हुआ, पूरे गोकुल नगर की सार्वजनिक समस्याएँ हैं। यहाँ पे जो मूलभूत सुविधाएँ हैं उन्हीं से हम लोग सब वंचित हैं। जैसे कि आपको नर्मदा लाइन ऐसी कोई भी नियर अगर देखा जाए, कोई भी ऐसी टाउनशिप नहीं मिलेगी जहाँ पे नर्मदा लाइन ना हो, लेकिन यहाँ किसी पता नहीं किस द्वेष भावना से इस कॉलोनी में कोई भी नर्मदा लाइन के लिए सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम के अलावा यहाँ कुछ नहीं मिलता। ये विधानसभा राउ क्षेत्र में आती है, यहाँ विधायक माननीय पटवारी जी हैं और समस्या है तो यहाँ बहुत है। नर्मदा पेयजल की समस्या है, गली गली में पानी भरा रहता है, बरसात में कभी कभी तो घुटनों तक पानी भर जाता है जब तेज बरसात होती है। और कुछ लोगों ने तो 7-8 साल पहले अब इंतका गैस लाइन के कनेक्शन पैसे जमा कर रखे हैं, लेकिन लाइन अभी तक। सर, ये इसलिए लगाया गया है कि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या आती है पानी की। बारिश के समय में पानी जो इस रोड पर भर जाता है और ये पानी जो भरता है वहाँ तक आगे तक जाता है। उधर से मानवता नगर का भी पानी आता है, वो भी वहाँ से सीधा आता है। और यहाँ ये जो ये क्षेत्र देख रहे हैं ना आप, इस क्षेत्र में मतलब कमर कमर के आसपास पानी आ जाता है। और इस चक्कर में क्या होता है कि बारिश के समय में स्कूल की बसें हैं या बच्चों को जो छोड़ना रहता है यहाँ पे, लाना मुश्किल हो जाता है। गाड़ियाँ पानी में बंद हो जाती है, कितनी लेडीज़ें गिर जाती है। सबसे पहली समस्या तो यही है कि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, निकलो तो बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को छोड़ने जाओ तो, और व्हीकल्स ले भी जाते हैं ना तो टायर डूब जाते हैं, उसमें आने में बहुत परेशानी होती है। दूसरी चोरियां भी आजकल बहुत हो रही हैं, बाउंड्री वॉल नहीं है, टंकी बनी है लेकिन पानी नहीं है, नर्मदा लाइन आज तक नहीं पहुंची, ड्रेनेज सिस्टम भी बेकार है, बगीचे की जमीन अवैध पार्किंग स्थल बनती जा रही है। हालांकि स्थानीय पार्षद की माने तो स्थानीय विधायक जीतू पटवारी ने यहां की समस्याओं को संज्ञान में लिया है और जल्द ही सभी समस्याओं को दूर करने का भरोसा भी दिया है। विधानसभा राव के जो एक गोकुल नगर कॉलोनी में एक पोस्टर लगा है जिसमें लिखा है कि अभी विधानसभा चुनाव में जो है नेता यहाँ पर वोट मांगकर हमें शर्मिंदा ना करें, क्या पूरा मामला मैम क्यों लगाया गया ये? उन्होंने नर्मदा की फाइल लगाई हुई थी, ये क्लोज कैंपस है और क्लोज कैंपस के अंदर बल्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है। जो पार्षद की तरफ से फाइल जाना चाहिए था वो मैंने वहाँ सबमिट कर दिया गया है। निगम से कल कमिश्नर मैम से आदरणीय जीतू पटवारी जी ने भी बात की है और उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया गया है कि मूलभूत सुविधाएं जैसे स्ट्रेट लाइन है वो पूरी प्रॉपर लगी हुई है। अब पानी की सुविधा के लिए आदरणीय जीतू पटवारी जी ने 1 लाख रुपए का बोरिंग करवा दिया गया है। उसके बाद में जो भी छोटी मोटी मूरम चूरी की ज़रूरत लगती तो पार्षद निधि से हम करवा ही रहे हैं। बाकी एक गार्डन है, उसका गार्डन का बाउंड्री वॉल बनवाना है तो उसके लिए भी आदरणीय जीतू पटवारी जी ने कह दिया है कि हम अपने पर्सनल मत से उसको बना देंगे। और जल्दी ही छोटी मोटी चीज़ें आप तो समझते ही हैं कि अब एक व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता है। आपको बता दें, MP में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, राज्य के कई हिस्से में लोग ऐसे पोस्टर और बैनर लगा रहे हैं और स्थानीय विधायकों पर विकास न करने का आरोप भी लगा रहे हैं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।